नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अमिताभ और अभिषेक के बाद ऐश्वर्या और आराध्या भी हुए महामारी पॉजिटिव। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन के महामारी टेस्ट को लेकर असमंजस के बाद समाचार एजेंसी AFP ने कन्फर्म किया है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी 8 साल की बेटी को महामारी संक्रमित पाया गया है। दोनों का महामारी टेस्ट पॉजिटिव आया है। इससे पहले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इसको लेकर ट्वीट किया था, मगर कुछ घंटों बाद ही उन्होंने ट्वीट हटा दिया तो संशय की स्थिति पैदा हो गई थी। अब आपको बता दें कि बच्चन फैमिली में सिर्फ जया बच्चन का महामारी टेस्ट नेगेटिव आया है। हम बच्चन परिवार को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश में अब वीकेंड लॉकडाउन, हर शनिवार रविवार बंद रहेंगे दफ्तर और बाजार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने महामारी के संक्रमण पर रोकथाम के लिए सप्ताह के अंतिम 2 दिन यानी कि हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। अब सभी बाजार सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे और शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया, महामारी के संक्रमण का प्रसार रोकने के मकसद से वीकेंड लॉकडाउन लागू किया गया है। यह नियम अगले सप्ताह शनिवार और रविवार से लागू रहेगा। आपको बता दें कि वीकेंड लॉकडाउन वाले दिनों में बाजार और कार्यालय बंद रहेंगे, हालांकि बैंक खुले रहेंगे। यह वीकेंड लॉकडाउन प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। शनिवार और रविवार को होने वाली बंदी से आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह से मुक्त रखा जाएगा। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 8,73,816 पहुंच गई है। आपको बता दें कि सक्रिय मामलों की संख्या 3,308 है, जबकि अगर हम बात करें स्वस्थ हुए लोगों की संख्या तो 5,50,024 है। पर दुख की बात यह है कि 23,102 मरीजों ने दम तोड़ दिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो कि अभी नंबर 1 पर बना हुआ है, महाराष्ट्र में अब तक 2,54,427 नए मामले सामने आए हैं, जबकि तमिलनाडु की बात करें तो 1,34,226 नए मामले हो गए। दिल्ली अभी तीसरे नंबर पर है जहां पर 1,12,494 नए मामले हैं। वहीं गुजरात की बात करें तो 41,906 मामलों के साथ गुजरात चौथे नंबर पर है। कर्नाटक अभी पांचवें नंबर पर है जहां 38,843 नए मामले हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सचिन पायलट की खुली बगावत, बैठक में नहीं जाऊंगा, अल्पमत में है गहलोत सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रहा मतभेद अब खुलकर सामने आ गया है। सचिन पायलट ने बगावती तेवर अपना लिया है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नहीं शामिल होंगे। सोमवार सुबह 10:30 विधायक दल की बैठक होनी है। दोस्तों आपको बता दें कि सचिन पायलट जयपुर नहीं आ रहे हैं। उनकी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात नहीं हुई है। पायलट खेमे की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है। पायलट ने कहा कि कई निर्दलीय विधायक हमारे साथ हैं। बताया ये जा रहा है कि सचिन पायलट समेत 27 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। इधर गहलोत खेमे ने 100 से अधिक विधायकों के समर्थन का दावा किया है। वहीं बीजेपी की ओर से कहा यह जा रहा है कि वो सचिन पायलट के संपर्क में नहीं है, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, राहुल ने साधा PM मोदी पर निशाना, कहा कि मोदी के रहते चीन ने कैसे छीन ली भारत माता की पवित्र जमीन। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीनी अतिक्रमण से निपटने के लिए सरकार की रणनीति पर लगातार सवाल उठाते रहे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने LSC पर बफर जोन बनाए जाने को लेकर सरकार को घेरा है। LSC पर तनाव और गतिरोध दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच सहमति में चीन के बढ़त की स्थिति में रहने की ओर इशारा करते हुए राहुल ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। दोस्तों आपको बता दें कि गलवान घाटी समेत पूर्वी लद्दाख के इलाकों से भारत और चीन के सैनिकों को पीछे हटने के क्रम में बनाए गए बफर जोन पर रक्षा विशेषज्ञों की राय को अपने ट्वीट के साथ टैग करते हुए राहुल ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी के रहते भारत माता की पवित्र जमीन को चीन ने छीन लिया। LSC पर भारतीय इलाके में बफर जोन को कई रक्षा विशेषज्ञ भारत के लिए रणनीतिक रूप से नुकसानदेह मान रहे हैं। राहुल ने इसके मद्देनजर PM पर सवाल दागा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, एक और विधायक भाजपा में शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने पार्टी छोड़ दिया है।
लोधी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने से पहले प्रद्युमन सिंह लोधी पूर्व सीएम उमा भारती से मिलने उनके आवास पर गए थे। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि हम विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी को सीएम शिवराज सिंह से मिलवाने ले जा रहे हैं। सीएम आवास में प्रद्युमन सिंह लोधी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें मिठाई भी खिलाई। आपको बता दें कि चर्चा ये भी है कि लोधी को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है और इसके साथ ही कांग्रेस के अन्य कई विधायक भी भाजपा के संपर्क में हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, हवाई यात्रियों के लिए ट्रेवल करना हुआ आसान, सरकार ने बदल दिया है महामारी से जुड़ा ये नियम। दोस्तों आपको बता दें कि नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन कंपनियों को ऐसे यात्रियों को यात्रा करने की इजाजत देने को कहा है जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में ये जाहिर करते हैं कि यात्रा की तारीख से पूर्व 3 सप्ताह की अवधि के भीतर महामारी पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं। आपको बता दें कि अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को यह जानकारी दी है कि भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस घातक महामारी से ठीक हो चुके हैं। ऐसे में उनकी दिक्कतों को कम करने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को अपडेट करने की जरूरत महसूस की जा रही थी, इसलिए कुछ समय पहले सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को कहा है कि यात्रियों को अब खुद से ये बताना होगा कि यात्रा की तारीख से पहले 3 सप्ताह के दौरान वह महामारी पॉजिटिव नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने 21 मई को सभी यात्रियों के लिए यात्रा करने से पहले ये बताना अनिवार्य कर दिया था कि यात्रा की तारीख से पहले 2 माह की अवधि के दौरान महामारी पॉजिटिव नहीं पाए गए थे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 10वीं और 12वीं के नतीजे सीबीएसई बोर्ड 15 जुलाई तक cbseresult.nic.in पर करेगी जारी। दोस्तों आपको बता दें कि इस वर्ष की सेकेंडरी यानी कि 10वीं और सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं कक्षाओं की इस वर्ष की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों की घोषणा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई द्वारा जल्द ही 1 सप्ताह के भीतर कर दी जाएगी। इसके लिए सीबीएसई बोर्ड द्वारा 15 जुलाई 2020 तक तिथि समय सीमा निर्धारित कर दी जाएगी। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2020 की घोषणा तिथि के बारे में हाल ही में बोर्ड द्वारा उच्चतम न्यायालय में 26 जून 2020 को हुई एक सुनवाई के दौरान जारी कर दी गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2020 की घोषणा बोर्ड के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल cbseresult.nic.in पर की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष की सेकेंडरी यानी कि 10वीं और सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं की कक्षाओं की महामारी और लॉकडाउन के चलते आयोजित न हो सकी परीक्षाओं के लिए नई मूल्यांकन योजना के आधार पर बचे पेपरों के लिए मार्क्स दिए जाने और सीबीएसई बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2020 और सीबीएसई बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2020 जारी किए जाने की घोषणा की है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ड्रोन के जरिए घर बैठे मिल जाएगी दवा, सिर्फ 30 मिनट में हो जाएगी डिलीवरी, कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे हालातों में होगा फायदा। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के दौरान देश में स्वास्थ्य के लिए एक मजबूत ढांचे की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस महामारी के खिलाफ मुकाबले में विभिन्न कंपनियां हर तरह से मदद कर रही हैं। इस बीच लोगों को घर बैठे दवा मुहैया कराने के लिए मेडिका बाजार और जिपलाइन नाम की 2 कंपनियों ने समझौता किया है। इस समझौते के तहत ये कंपनियां लोगों को घर बैठे ड्रोन के जरिए दवा डिलीवरी करवाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि मेडिका बाजार एक बिजनेस टू बिजनेस मार्केट प्लेस है, ये मेडिकल इक्विपमेंट का कारोबार करती है, जबकि जिपलाइन एक ऑन डिमांड ड्रोन डिलीवरी देने वाली कंपनी है। ये कंपनी कई देशों में ड्रोन की सेवा देती है। दोस्तों आपको बता दें कि इस सेवा के शुरू होने के बाद दवा की डिलीवरी में 30 मिनट से भी कम का समय लगेगा। कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे हालातों में भी इस सेवा का बड़ा फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि मेडिका बाजार के फाउंडर और सीईओ विवेक तिवारी का कहना है कि ड्रोन का इस्तेमाल करके नाजुक उत्पादों की खास तौर पर दूर दराज वाले इलाकों में आसानी से और तेज डिलीवरी की जा सकेगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा Tier 3 और Tier 4 के शहरों में होगा, जहां पर सप्लाई चेन की कमी के कारण नाजुक उत्पाद उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, स्पाइस जेट यात्रियों को दे रहे खास इंश्योरेंस, मुश्किल समय में आएगा काम। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के इस मुश्किल दौर में प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट ने अपने ग्राहकों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए एक सुविधा शुरू की है। इसके तहत स्पाइस जेट की फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्रियों को एयरलाइंस की ओर से इंश्योरेंस ऑफर किया जा रहा है, जो महामारी को भी कवर करता है। एयरलाइंस की ओर से दिए जा रहे इस इंश्योरेंस के तहत यात्रियों को 50,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का क्लेम मिल सकेगा। इस इंश्योरेंस के लिए यात्रियों को 443 रुपए से लेकर 1,564 रुपए तक का प्रीमियम देना होगा। ये इंश्योरेंस पूरे 1 साल तक के लिए वैलिड होगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस इंश्योरेंस में यात्रियों को अस्पताल में होने वाले सारे खर्च का कवर मिलेगा, साथ ही प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च भी कवर होगा। अस्पताल में भर्ती होने के 30 दिन पहले और 60 दिन बाद तक का कवर इस इंश्योरेंस में मिलता है। इसमें यात्रियों की महामारी टेस्टिंग, इलाज
और डॉक्टर की सलाह सहित सभी तरह के खर्च कवर किए जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, पर्यटकों के लिए 14 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से खुलेगा जम्मू कश्मीर। सरकार ने जारी किए हैं दिशा निर्देश। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 14 जुलाई से पर्यटन चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने पर्यटकों के प्रवेश के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस चरण में केवल उन्हीं पर्यटकों को राज्य में आने की अनुमति होगी जो हवाई मार्ग से आएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पर्यटकों के लिए आगमन पर RT-PCR जांच अनिवार्य है। इसी के साथ पर्यटकों के लिए होटल बुकिंग की पुष्टि भी जरूरी होगी। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। अभी दिल्ली NCR में अगले 24 घंटे में अच्छी बारिश की है उम्मीद, जाने देश के अन्य हिस्सों का हाल। दोस्तों आपको बता दें कि उमस भरी गर्मी से परेशान राजधानी के लोगों को शनिवार को भी कोई खास राहत नहीं मिल सकी। दिन भर उमड़ते घुमड़ते रहे मेघ आखिर में बिना बरसे ही लौट गए। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश भी होगी, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेंद्र कुमार जेनामनी ने बताया कि दिल्ली में अगले 24 घंटे में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। परसों यानी कि 14 जुलाई से बारिश नहीं होगी, 16 जुलाई से फिर बारिश शुरू होगी। आपको बता दें कि इससे पहले मौसम विभाग ने बताया था कि 2 घंटे के दौरान दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेरठ, रोहतक, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आंधी के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की स्पीड 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं जम्मू कश्मीर, गिलगित, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के शेष हिस्सों और पश्चिम उत्तर प्रदेश, शेष मध्य प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। आपको बता दें कि बिहार में नदियों के उफान से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। बलरामपुर में राप्ती नदी और पहाड़ी नाले उफान पर हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, सोनिया गांधी का कांग्रेस के 3 नेताओं को जयपुर भेजने का फैसला, विधायकों से करेंगे बात। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में गहलोत सरकार संकट में घिरी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी एक्शन में आ गई हैं। उन्होंने कांग्रेस के 3 नेताओं को जयपुर भेजने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे को जयपुर जाने को कहा है। तीनों नेता कांग्रेस विधायकों से बात करेंगे। अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे रविवार रात जयपुर के लिए रवाना हुए। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान की गहलोत सरकार संकट में है। अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच मतभेद खुलकर अब सामने आए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सचिन पायलट पार्टी आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली में हैं। पायलट खेमे के 12 विधायक भी दिल्ली में हैं। उधर अशोक गहलोत ने पार्टी आलाकमान से कहा है कि सचिन पायलट बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल इसकी शुरुआत होती है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के नोटिस के बाद। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सचिन पायलट को नोटिस भेजा था और बयान दर्ज कराने को कहा था। कहा जा रहा है कि नोटिस मिलने के बाद पायलट CM अशोक गहलोत से नाराज हैं। सचिन पायलट खेमे को उप मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए SOG का नोटिस स्वीकार्य नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सचिन पायलट को रिझाने में लगे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, कपिल सिब्बल बोले त्राही माम। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। प्रदेश की गहलोत सरकार खतरे में है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने कुछ विधायकों के साथ दिल्ली में है। कांग्रेस में जारी अंतकला का फायदा भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP उठाने में जुट गई है। पार्टी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में उतरे हैं, वे सचिन पायलट को रिझाने में लगे हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़कर BJP में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सचिन पायलट के समर्थन में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को दरकिनार किए जाने से मैं दुखी हूं। ये दिखाता है कि कांग्रेस में काबिलियत और क्षमता की कोई अहमियत नहीं है। बता दें कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दोस्ती जग जाहिर है। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में अगर आज गहलोत सरकार सत्ता में है तो इसका श्रेय बहुत हद तक सचिन पायलट को भी जाता है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हुई थी तो इसके पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया ही थे। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसका फायदा नहीं मिला, पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता कमलनाथ को ही गद्दी सौंपी। हालांकि बाद में कांग्रेस को खामियाजा भुगतना ही पड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कुछ विधायकों के साथ BJP में शामिल हो गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि राज्य में कमलनाथ सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान की एक बार फिर से सत्ता में वापसी हुई। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि सरकार ऐसा काम न करे जिससे कि ब्राह्मण समाज भयभीत महसूस करे। दोस्तों आपको बता दें कि कानपुर के विकास दुबे प्रकरण को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा ने भी हवा दी है। बसपा प्रमुख मायावती ने ब्राह्मण समाज को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए UP सरकार से जन विश्वास की बहाली के लिए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट करके दलितों, पिछड़ों और मुस्लिम समाज के लोगों को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया।
दोस्तों आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि बीएसपी का मानना है कि किसी गलत व्यक्ति के अपराध की सजा के तौर पर उसके पूरे समाज को प्रताड़ित व कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए, इसलिए कानपुर पुलिस को विकास दुबे और उसके गुर्गे के जुर्म को लेकर उसके समाज के भय की जो चर्चा गर्म है उसे दूर करना चाहिए। साथ ही यूपी सरकार अब खासकर विकास दुबे की कांड की आड़ में राजनीति नहीं बल्कि इस संबंध में जन विश्वास की बहाली के लिए मजबूत तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करे तो बेहतर है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार को सलाह, कर्मचारियों को सप्ताह में 4 दिन ही बुलाएं दफ्तर। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संक्रमण से बिगड़ते हालात पर समाजवादी पार्टी के मुखिया व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार को अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा की दृष्टि से सप्ताह में केवल 4 दिन ही काम पर बुलाने की सलाह दी है। साथ ही हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर पर ही क्वारंटीन होने की अनुमति देने का सुझाव दिया है, जिससे कि अस्पतालों में गंभीर मरीजों के लिए जगह कम न पड़े। दोस्तों आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में आरोप लगाया कि अस्पतालों में इन दिनों महामारी के नाम पर गंभीर मरीजों को काफी परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बाराबंकी के जिला महिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में मिली खामियों का जिक्र करते हुए कहा कि 100 बेड वाले इस अस्पताल पर 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मरीजों को व्यर्थ घंटों इंतजार करने और इलाज में लापरवाही की शिकायतें मिलने की बात भी कही है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, पवार ने कहा कि भारत का सबसे बड़ा शत्रु चीन, पाक से ज्यादा इस पर ध्यान दे सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के साथ मौजूदा तनाव के बीच राकंपा अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि भारत के लिए पाकिस्तान से बड़ा खतरा चीन है। पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन की सैन्य ताकत भारत से 10 गुना अधिक है और उसने भारत के पड़ोसियों को अपनी ओर कर लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र को वार्ता और राजनीतिक माध्यमों से चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि पवार ने शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए साक्षात्कार में कहा कि जब हम शत्रु के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पहला नाम पाकिस्तान का आता है, लेकिन हमें पाकिस्तान की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दीर्घकाल में देखा जाए तो चीन के पास भारत के हितों के खिलाफ कदम उठाने की ताकत है, सोच है और कार्यक्रम भी है। चीन भारत के लिए बड़ा शत्रु है। उन्होंने कहा कि चीन भारत के लिए असल खतरा है जो आर्थिक रूप से भी मजबूत है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, सिंधिया की राह पकड़ेंगे पायलट, क्या राजस्थान में दोहराई जा रही है एमपी की कहानी। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की तरह अब राजस्थान में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच मतभेद गहरा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर दोनों वरिष्ठ नेता आमने सामने आ गए हैं। बताया ये जा रहा है कि सत्ताधारी कांग्रेस के 24 विधायक मानेसर के एक होटल में रुके हुए हैं। इस सारे घटनाक्रम को मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने और कमलनाथ सरकार के गिराने से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में तेजी से बदलते घटनाक्रम ने कांग्रेस हाईकमान को चिंतित कर दिया है। दरअसल राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच मतभेद अब गहरा रहे हैं। ऐसी ही तकरार मध्य प्रदेश में पूर्व की कमलनाथ सरकार में देखने को मिली थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह 2018 विधानसभा चुनाव में राजस्थान सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी और वे मुख्यमंत्री पद के सशक्त दावेदार थे, लेकिन सिंधिया को छोड़ कमलनाथ को और सचिन को छोड़ गहलोत को सीएम बनाया गया। सिंधिया और सचिन पायलट दोनों ही राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा रह चुके हैं। जब एमपी में सिंधिया ने पार्टी से बगावत कर कमलनाथ सरकार को गिराया था, तब कयास ये लगाए जा रहे थे कि कहीं पायलट भी दोस्त सिंधिया की राह न पकड़ लें। हाल ही में राजस्थान में हो रही उठापटक में मध्य प्रदेश की कहानी दोहराती नजर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अब राजस्थान में अचानक सियासी हलचल तेज होने से पार्टी की चिंता बढ़ गई है। ये संकेत आने वाले समय में राजस्थान सरकार के लिए खतरे की बड़ी घंटी हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अमेरिका में चुनावी मुद्दा बन रहा है चीन, ड्रैगन को निशाना बनाने को लेकर ट्रंप और बिडेन में है होड़। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में तेजी से चीन चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बिडेन के बीच इस बात को लेकर होड़ है कि कौन ड्रैगन को ज्यादा निशाना बनाता है, कौन बीजिंग के खिलाफ ज्यादा सख्त रवैया जाहिर करता है। अमेरिका में इस साल 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है। इस चुनाव में ट्रंप अपनी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवार हैं, जबकि बिडेन विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रंप की प्रचार टीम की ओर से जारी किए गए विज्ञापनों में बिडेन चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ गलबहिया करते दिख रहे हैं। हालांकि ट्रंप भी खुद ऐसा कर चुके हैं, वे अपने फ्लोरिडा क्लब में चिनफिंग की मेजबानी कर चुके हैं, जबकि बिडेन की प्रचार टीम ने जो तस्वीरें जारी की हैं उसमें ये दिखाया गया है कि ट्रंप महामारी को कमतर बता रहे हैं। वह महामारी के बारे में पारदर्शिता के लिए चिनफिंग की सराहना भी कर चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हालांकि ये साफ हो चुका है कि चीन ने दुनिया से महामारी के बारे में जानकारी छुपाई थी,
दोस्तों आपको बता दें कि विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति चुनाव में चीन सिर्फ एक विदेश नीति का मुद्दा है। ये एक ऐसा मामला है जिसका कि महामारी से गहरा संबंध है। महामारी से अमेरिकी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। मतदाता खुद से भी ये सवाल करेंगे कि चीनी करतूतों मसलन के अनुचित कारोबार बर्ताव, बौद्धिक संपदा अधिकारों की चोरी, मानवाधिकार उल्लंघनों और उसके बढ़ते आक्रामक रवैये से ट्रंप और बिडेन में से कौन अमेरिका की बेहतर रक्षा कर सकता है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि घरेलू उद्योगों को मिलेगा बूस्ट, 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए नहीं होंगे ग्लोबल टेंडर। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी खरीद में विदेशी कंपनियों को शामिल नहीं करने का फैसला लिया है। सरकार ने घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई को बड़ी राहत देते हुए व्यय विभाग ने सामान्य वित्तीय नियमों 2017 और ग्लोबल टेंडर से जुड़े जीएफआर नियमों में बदलाव किए हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अब 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर के लिए कोई भी ग्लोबल टेंडर पूछताछ या ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि कैबिनेट से मंजूरी न मिले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं।